जलालपुर पीरवाला में फलाई तंजीम सांझ प्रीत की जानिब से महकमा सेहत की टीमों के हमरा घर घर जाकर बच्चों को टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाने के लिए आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। गुजारे से जो 9 महीने के बाल को रखते 15 साल के बाल को हिफाजती टीके लाजमी लवाएं आज परी और मैक मसीहत के तरफ हुए तो आपको पैगाम मिल जावे। 9 माह से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को घर घर जाकर टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर फलाई तंजीम सांझ प्रीत की मोबिलाइजर हिना रफीक और हलीमा सत्तार का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सीनियर रफीक हियर। आई एम वर्किंग विद सांझ प्रीत एज अ सोशल मोबिलाइजर और इसमें हम महकमा सेहत के साथ मिलकर बच्चों को टाइफाइड से बचाव के इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। इसमें हमने कंपेन ये टाइफाइड के इंजेक्शन लगाने से पहले हमने डिफरेंट स्कूल्स में और कम्युनिटी में सेशंस करवाए थे। अब ड्यूरिंग दिस वर्क हम जो हैं महकमा सेहत के साथ मिलकर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और जिस एरिया में इनके सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे हम जाकर डोर टू डोर जाकर हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और इनको चेक कर रहे हैं जिस एरिया में ये वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह महकमा सेहत के साथ मिलकर सांझ प्रीत जो है ना इनका जो बेसिक पर्पस है उसको कामयाब बनाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा सत्तार है और मैं सांझ प्रीत के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। सांझ प्रीत और महकमा सेहत जो है इस टाइफाइड की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सांझ प्रीत जो है लोगों को अवेयरनेस के बहुत सारे सेशंस दे रहे हैं और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए, ताकि पूरे मुल्क को टाइफाइड से बचाओ के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जा सके। सांझ प्रीत की तरफ से मस्जिदों में भी ऐलान किए जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस सेशन गलियों गलियों मतलब डोर टू डोर जाके भी अवेयरनेस सेशन दिया जा रहा है और उसके अलावा कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा सेशन करवाए गए हैं। सांझ प्रीत की तरफ से 9 माह से 15 साल के बच्चों को ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और शहरी इलाकों में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देहाती इलाकों में लोगों की खुराक सिर्फ अच्छी होती है, तो शहरी इलाकों में जंक फूड इस्तेमाल करने से खराब यानी कि खानों की वजह से ये इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है इस शहरी इलाकों में ये मुहिम ज़्यादा मतलब काम कर रही है। तो आप लोगों से भी ये है कि अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं, टाइफाइड से बचाएं, दूसरों को भी अपनों को अपने प्यारों को इस मोहलिक बीमारी से बचाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से टाइफाइड से बचाव की मुहिम शुरू हो गई है, जिसमें हम 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगा रहे हैं और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे भी पिलवा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी टीमें घर घर जाकर भी वैक्सीनेशन कर रही हैं अपने मुतल्लिका के स्टेशन पर और स्कूल में भी वैक्सीनेशन जारी है। तो इस सिलसिले में वालदैन से गुजारिश है कि हमारे साथ तआवुन करें और ये हिफाजती टीके लगवाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महकमा सेहत की टीमें यहाँ पर स्कूल में आज मौजूद हैं यहाँ पर जलालपुर के अंदर और हमारा 30 दिन में कंपेन का माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है और हमारी टीमें काम कर रही हैं। वालदैन से गुजारिश है कि जी में जब भी आपके पास आए तो आप इनको लाजमी हिफाजती टीके लगवाएं ताकि बीमारी से बचाया जा सके। जबकि इस मुहिम के हवाले से फलाई तंजीम सांझ प्रीत की मोबिलाइजर हिना रफीक और हलीमा सत्तार ने महकमा हेल्थ की टीमों के हमरा तहसील जलालपुर पीरवाला में घर घर जाकर खवातीन और बच्चों समेत शहरियों को ये आगाही फराहम कर रहे हैं कि 9 माह से 15 साल के बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे कबल इस वक्त टाइफाइड बुखार जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन अता साकी के साथ शेख नदीम अंजुम वसेब की बात टीवी आपके साथ।